वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है, दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना बेहद जरूरी है। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि दुनिया में जो चेंज आए, सबसे पहले वो चेंज आप लोग अपने अंदर लेकर आइए, तभी आप लोग सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल पाएंगे। आप लोगों ने छोटी सी कहानी सुनी होगी शायद, जिसमें महात्मा गांधी जी के पास में जाती है एक औरत अपने बच्चे को लेकर और बोलती है कि मीठा बहुत खाता है, कि बताइए इसका क्या इलाज करना है, मेरे से तो हो नहीं रहा, आप ही बताइए। पूरे देश को आप लोग संभाल रहे हैं, इस तरीके से चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं, ये मेरी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इसका समाधान भी आप ही बताइए। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि एक हफ्ते बाद आना, तब मैं आपको कोई समाधान बताऊंगा, अभी जो है मेरे पास में कोई समाधान नहीं है इसका। तो फिर वो जो औरत है वो एक हफ्ते बाद आती है अपने बेटे को लेकर और बोलती है कि बोलती है बेटे को कि एक तरीके से मतलब बेटे को लेकर आती है। तो फिर बोलते हैं महात्मा गांधी जी उनको कि बेटा आज के बाद में गुड़ मत खाना। तो महिला बड़ी दुखी होती है सुनकर, बोलती है कि ये तो आप बात उस दिन भी बोल सकते थे। तो बोलते हैं कि उस दिन जो है मैं तब तक खुद ही बेसिकली खाया करता था गुड़ वगैरह, तो ऐसी बातें बोली गई। ठीक है, इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर एक स्टोरी फॉर्म की गई है जस्ट ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं इंसान को किसी को भी वो बातें तब बोलनी चाहिए जब वो बातें इंसान जो है अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट कर रहा है। यानी कि मेरा कोई हक नहीं बनता आप लोगों को बोलने का कि आप लोग एक्सरसाइज करो जब तक कि मैं खुद एक्सरसाइज ना करूं। मेरा कोई हक नहीं बनता आप लोगों को बोलने के लिए कि पॉलिथीन यूज मत करो जब तक कि मैं खुद यूज करना बंद ना करूं। मेरा कोई हक नहीं बोलता आप लोगों को यहां सुबह जल्दी उठो जब तक कि मैं खुद जल्दी ना उठना स्टार्ट कर दूं। तो इसलिए अगर जिंदगी में आप लोग अगर खुद कोई काम कर रहे हैं तभी दूसरों को बोलो, वरना किसी को कोई काम बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये बेहद जरूरी है कि पहले अपने अंदर चेंज लेकर आओ, फिर आप लोगों को दूसरों के अंदर आराम से चेंज भी नजर आएगा और वो आपको देखकर अपने आप अपने अंदर चेंज करना स्टार्ट भी करेंगे। बहुत शानदार, काफी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा, अच्छे से टकटकी लगाकर सुनना। और वीडियो के एंड में आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा तो पूरा मजा आएगा वीडियो को सुन के, पर लेकिन टकटकी लगाकर सुनना। मतलब कहने का ये कि कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुनेंगे पेन और कॉपी लेकर, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा भी चीजें बताऊंगा तो उनको नोट डाउन कर लेना। अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो क्वेश्चन बन जाते हैं वहां से कई सारे। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप लोगों की सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाती है एक जगह इकट्ठी। यहाँ पर और भी कई सारी चीजें डालता हूँ मैं आप लोगों को जो यहाँ पर लगती है इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कई सारे जो बच्चों के सिलेक्शन होते हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक डाला जो एक साल का करंट अफेयर जो मैंने आप लोगों के लिए अभी बनाई थी, इस पे लगभग 1.5 लाख के करीब व्यूज हो चुके हैं और लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग जो है इसको पसंद कर चुके हैं। तो देखिए अगर इस तरीके की वीडियो जो होती है, ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो बनाई जिसमें 1 ईयर का कंपाइलेशन आप लोगों के सामने निकाल कर लेकर आया। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो वीडियो होती है, ये जो वीडियो होती है बेसिकली क्या होता है कि जो मंथली वीडियो आती है ना उसमें से टॉप न्यूज निकाल कर ये वीडियो बनाई जाती है। यानी कि जो मंथली न्यूज होती है उसका निचोड़ इसमें रहता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि जो भी रेगुलर मेरे से पीडीएफ के बारे में पूछ रहे हैं ये 1 ईयर वाली वीडियो की, आप लोग जो मंथली मैंने सारी करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करा रखी है अगर वो आप लोग देख लेंगे तो ये वीडियो तो कवर होगी, एक्स्ट्रा भी आप लोगों का थोड़ा उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड नहीं कराया, इसका रीजन बेसिकली यही था, मैं चाहता था कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लो आप लोग। ठीक है, वीडियो तो आप लोगों ने देख ली पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कवर कर लो, अगर और भी क्वेश्चन इधर उधर से बन जाए तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे, इनके थोड़ा सा और ज्यादा रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। तो ये है बेसिक पर्पज, बाकी सारी जो भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा रखी है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, उनको सर्च करना, सारी पीडीएफ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, लिंक वीडियो के नीचे भी है और बाकी आप लोगों को दिखा भी दिया मैंने, जाकर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, प्यारा शानदार आर्टिकल रहेंगे कई सारे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में। तो अल्जाइमर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ये जो डे है इसकी थीम आप लोगों को बतानी है कि ये बेसिकली कब सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में और थीम क्या रखेगी अब की बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, अच्छे से देखिए, फिर जो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं इनका आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर ही मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को अच्छे से सुना करो, फिर आप लोग जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उनका आंसर देने में आप लोगों को आसानी रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर ये बात करता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में। पीस यानी कि शांति, तो इंटरनेशनल यानी कि दुनियादारी के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे शांति बनाकर रख सकते हैं, इसको वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी सेलिब्रेट जानते हैं हम लोग, इसको सेलिब्रेट कहते हैं 21 सितंबर को। तो इसकी भी थीम आप लोगों को बतानी है। थीम क्या होती है, बेसिकली एक ऐसा एरिया जहां पर एक साल तक पूरा फोकस देने की बात की जाती है। तो नॉर्मली कई बार इसको आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाता है थीम को, तो ऐसी बात नहीं है कि एक साल के लिए होती है, कई बार वही सेम थीम आगे भी पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है,
इंटरपोल के बारे में काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोग कवर करूंगा यहाँ पर, इसको अच्छे से समझेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर इंटरपोल के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं आज के डेट में इसके अंदर, ये है इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में इंटरपोल जो है इसके द्वारा एक ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम बताइए। वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ रिविजन की वीडियो में भी और अलग अलग भी बता चुका हूँ इसको, पर फिर से एक बार रिविजन कराने के लिए डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि रिसेंटली कोविड 19 की जो फेक दवाइयां नकली दवाइयां ऑनलाइन बेची गई, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे गए कोविड 19 के नाम पर, तो इस इंटरपोल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया इन सब चीजों को टारगेट करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि लोगों तक सही मटेरियल पहुंच सके। तो इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। आप लोग तब तक इस ऑपरेशन का नाम बताइए। हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। ये रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है, ये आप लोग को बताना है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई अभी हमारी कंट्री में रोड मैप तैयार करने के लिए कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यानी कि कोयले से जो हाइड्रोजन बनाया जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको ब्लैक हाइड्रोजन आप लोग बोलते हैं, और बाकी H2O यानी कि जो पानी से हाइड्रोजन बनाया जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इसको इसलिए ब्लैक हाइड्रोजन बोलते हैं क्योंकि इससे काफी मात्रा में यहां पर आप लोगों कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई नजर आती है जो कि इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कैसे इसको कम करना है, इसके लिए यहां पर अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया जो इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसके डायरेक्टर जनरल को यहां पर इस कमेटी का हेड बनाया गया इसको रोकने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइए कौन है पर्सनैलिटी। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये अभी इंडिया ने एक कंट्री के साथ में साइन किया गया, तो इस कंट्री का नाम आप लोग को बताना है। ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अगर थोड़ा सा भी रिवीजन करके जाओगे एग्जाम में तो कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। करेंटली इंडिया के द्वारा जो कैपेसिटी इंस्टॉल की जा रही है 2021-22 के लिए 476 गीगावाट की जा रही है। तो याद रखिएगा हमारा टारगेट था 175 गीगावाट का, पर लेकिन 476 हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 817 के करीब हम लोग इंस्टॉल कर देंगे, कब तक का ये टारगेट कब का है ये आप लोगों को बताना है। पैरादीप जो पोर्ट है यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जैसे कि आप लोग कई सारे डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां पर ये कई बार पूछ ले जाते हैं इन पोर्ट्स के बारे में, तो हल्का सा नजर डालेंगे ये किस नदी के ऊपर है ये आप लोगों को बताना है, और ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, किस राज्य के अंदर में ये बताइए। कहने के लिए तो 9 क्वेश्चन है, वैसे एक एक क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन भी है कई जगह, तो इसलिए आप लोग के जो क्वेश्चन होते हैं कई सारे हो जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया करो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे जब मैं आंसर भी बताऊं आप लोगों को कि हाँ ठीक है ऐसे, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख पाओगे लंबे समय तक। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दो वीडियो अगर रेगुलर आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो करंट अफेयर की तो यार मैं गारंटी ले सकता हूं कि कभी आप लोग की जो है एक तरीके से दायरे से बाहर नहीं जाएगा और कभी आप लोग को परेशान नहीं करेगा एग्जाम में बैठकर, अगर ये दो वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं। और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल जाती है। फीडबैक जरूर दिया करो यार वीडियो के ऊपर, जाके पता चलता रहे कि ऐसी जो बेसिकली वीडियो बनाई जा रही है उससे मुझे आइडिया लगता रहता है, आप लोगों का फीडबैक ही तो रहता है। लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को बता सकते हैं और कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं, और 10 में से मार्क्स भी दे सकते हैं पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो ये भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। आज है बेसिकली जो डे है यहाँ पर, यह 21 सितंबर, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो डे है यहाँ पर, यह वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर जो बेसिकली एक ऐसी बीमारी है, जैसे जैसे इंसान की कई बार क्या होता है एक तरीके से बीमारी जैसे जैसे बढ़ती है तो वो क्या करता है चीजों को भूलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे डिजीज है जो आप लोग की मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और एक तरीके से मेंटल फंक्शन जो है उसको हैम्पर करना स्टार्ट कर देती है। ये जो डिमेंशिया बेसिकली एक बीमारी है उसी का एक पार्ट आप लोग बोल सकते हैं अल्जाइमर। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से पेशेंट जो फेस करता है डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर, तो यहां पर एक तरीके से मेमोरी का लॉस होता है और जो मेमोरी है एक तरीके से उसका लॉस होने के साथ साथ में माइंड जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है, तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई साहब ये बीमारी है इसको सीरियसली लेना चाहिए, 21 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोग जो है इसके बारे में जान सके। तो कोई भी डे अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा सके कि हाँ ऐसी कोई बीमारी चल रही है और जो पेशेंट है वहां पर उसकी कोई मजाक ना उड़ाए कि भूल गया ये हो गया वो हो गया, हो सकता है उसको अल्जाइमर की बीमारी हो। नॉर्मली ये जो बीमारी होती है ये एज के साथ में बढ़ती है, यानी कि जब एज काफी ज्यादा हो जाती है यानी कि 80 या फिर उससे ऊपर होने लगती है तो तब ये सारी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। पर लेकिन जितना स्ट्रेस आज के डेट में सोसाइटी में देखने को मिलता है, जैसा खान पान रहन सहन हो गया है उसकी वजह से कई सारी बीमारियां जो है अब जल्दी एज में भी लोगों को लगने लगी है। तो इसलिए अच्छा खाइए, अच्छा अच्छे से पानी पीजिए, अच्छी अपनी सेहत रखिए, तभी आप लोग इन सब चीजों से दूर रह पाएंगे। मेमोरी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, फॉर्मेशन होगा, क्योंकि खुशियों के द्वारा आप लोगों के द्वारा बनाई गई मेमोरी कभी नहीं भूलते हो,
या फिर दुख में जो मेमोरी बनती है, नॉर्मल टाइम की मेमोरी इंसान भूलता हुआ नजर आता है, पर लेकिन अगर शोक लग जाता है तो कई बार इंसान का मेमोरी लॉस भी होता है। तो इसके चलते यहां पर हर साल यहां पर बेसिकली 2012 से वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ ये भी लॉन्च किया गया, जिसके चलते यहां पर इसको हम लोग ध्यान रख सके। ठीक है, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, यानी कि अल्जाइमर को जानोगे डिमेंशिया, जैसे डिमेंशिया को जानोगे तो अल्जाइमर को भी जानोगे, तो बेसिकली दोनों एक ही पैटर्न की बीमारी आप लोग को ये देखने को मिलेगी। तो इसलिए थीम में भी यहां पर इन दोनों का नाम यूज कर लिया गया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा जरूर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का अगर कोई दूसरा नाम आप लोगों से पूछ ले क्या है, तो वह है वर्ल्ड पीस डे। तो इंटरनेशनल कर ले या फिर वर्ल्ड कर ले, बात तो एक ही है, यानी कि एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड के तौर पर ग्लोबल के लेवल पर बात यहां पर की जा रही है कि कैसे शांति बनाकर यहां पर रखनी है। तो ये भी जो डे है ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है कि यहां पर किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो एक तरीके से लड़ाई होती है वहां पर शांति लाकर रखा जा सकता है। पहली बार जो ये डे था सितंबर के महीने में 1982 में यहां पर बेसिकली यहां पर ऑब्जर्व किया गया और 2001 से जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया एक रिजोल्यूशन, जिसको बेसिकली रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं 55/282। तो यहां पर जिसके द्वारा 21 सितंबर को इंस्टॉल किया गया यहां पर कि ऐसा डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑफ नॉन वायलेंस या सीज फायर बेसिकली बोला गया, जिसकी थीम है आपकी बार यहां पर रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। यानी कि देखिए तो सब मिलजुल कर रहे हैं और सस्टेनेबल वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए कि आने वाले टाइम में आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग काफी कुछ चीजें प्रोवाइड करा सके। ओके, ये कुछ आप लोगों के सामने एसएलवी कमांडो हैं जो कि रिसेंटली अभी कुछ ऐसे हैं जो ज्वाइन किए हैं नए और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फिर से रीज्वाइन किया है। एक बच्चा लिख रहा है कि मेल की सर अब तो नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, जो भी ज्वाइन करता है पहले नाम बताते थे। सर प्लीज नाम बताया करो। चलो जो भी है यार, कम से कम आप लोगों की वजह से काफी सारे बच्चों की हेल्प हो जाती है। और यहां पर जो बात की जा रही है कई सारे ऐसे जिन्होंने रीज्वाइन कर लिया है, जो जैसे आप लोग रीज्वाइन करेंगे तो जो आप लोगों के सामने नंबर है ना, जैसे किसी के सामने 6 लिखा हुआ है, किसी के सामने 5 लिखा हुआ है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर है 1, यानी कि जिसके नाम के सामने 1 लिखा होगा इसका मतलब है कि वो सबसे पुराना मेंबर है यहां पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी मेंबर है यहां पर जो काफी पुराने हैं और ऐसे हैं जो कई सारे बेसिकली जो यहां पर काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहां पर। तो अभी नए जो है हर्ष है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है यहां पर सादेव, यहां पर दाऊ ओझा, राहुल, प्रीति देव, यहां पर देवाशीष, इसी के साथ में वैभव, नितिन। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं ब्रोंज कमांडो। और इसी के साथ में जो यहां पर बात की जाए, जो यहां पर बेसिकली सुभ्रा त्रिपाठी, ये है सिल्वर कमांडो, जिनके द्वारा रिसेंटली अभी ज्वाइन किया गया लगभग 4 दिन पहले। ठीक है, एक और छोटी सी बात यहां पर, जैसे मैंने बताया था कि कई सारे बच्चों के द्वारा बेसिकली ज्वाइन किया गया, तो कई सारे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक बच्चे ने मेल लिखा, कह रहा है कि सर आपने पढ़ाया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है यहां पर तो उसके ऊपर FCRA लगता है। तो बोल रहा है कि सर डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग उन और हैरी पॉटर भी यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप भी बेसिकली FCRA की कैटेगरी में आ गए। कैसे कैसे मतलब दिमाग कहां पे लगाया, पर लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है, देखो इसके चलते आप लोग टॉपिक को याद रख पाओगे। ठीक है, इस तरीके से चीजें आप लोग याद रख सकते हैं कि मतलब इस तरीके से बाहर से अगर कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है किसी देश में से, तो उसको FCRA के थ्रू चेक किया जाएगा, जो भी एनजीओ यहां पर इसको अडॉप्ट कर रही है। तो ये पूरा टॉपिक है सोनू सूद की वजह से अभी यहां पर ये न्यूज में भी आया। तो देखिए टॉपिक को ऐसे कनेक्ट कर आप लोग लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने के लिए तो मजाक हो गई, पर लेकिन रियलिटी में तो आप लोग इसको कनेक्ट कर गए ना इस तरीके से, तो आप लोग इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को याद रखेंगे। जिसने FCRA के बारे में नहीं पढ़ा वो सर्च कर लेना, मैंने टेलीग्राम पर भी इसके बारे में वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। तो थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ एसएलवी मेंबर फैमिली ब्रदर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और फिर से एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी किसी के साथ में कोई मैसेज करे, कोई मेल करे, किसी को आप लोग कोई सेंड नहीं करना है। ये चीजें मैं अपना आप देख रहा हूँ, किसी को किसी की कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अगर कमेंट बॉक्स में कोई आप लोगों से, एक बच्चा मैंने देखा वो बोल रहा है कि कोई मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोई मुझे कुछ सेंड कर दो। ठीक है, कोई भी व्हाट्सएप नंबर नीचे देता है या कुछ भी इस तरीके हरकतें करता है उसको बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं करना है। ठीक है, खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने 2-3 केस बताए यहां पर, ये तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। अपनी पढ़ाई कीजिए, उससे फालतू कुछ नहीं। आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, बाकी जो भी आप लोगों को मोटिवेशनल कोट लगती है वो चीजें, मतलब पढ़ाई की चीजें पोस्ट करो और भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा, एक दूसरे के कमेंट से सीखो। तो पढ़ाई का माहौल बना के रखो, बहुत अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक बातें मुझे बोलनी थी, बाकी जिस जिसके पास में भी जो चीजें मैं सेंड कर रहा हूं आप लोग आराम से उनको एंजॉय कीजिए। आप लोग कोई नहीं, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, अपना ध्यान रखिए, बस पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग बेसिकली अपनी पढ़ाई पर फोकस देने की कोशिश ज्यादा करो। ओके,
ये वो काम जो है वो मेरे पर छोड़ो, मैं देख लूंगा क्या करना है, आप लोग पढ़ाई पर फोकस करो। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंटरपोल के बारे में बात की जा रही है, इंटरपोल ऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन चलाए जाते हैं कई सारे चीजों को लेकर। तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर इलीगल जो गैम्बलिंग यानी कि जो जुएबाजी चल रही थी यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2020 में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। फीफा ने बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है यूईएफए, तो यूरोपियन फुटबॉल था यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो चैंपियनशिप थी इसके अंदर बोलने को लिखा कि 1400 लोगों को अरेस्ट किया गया और 7.9 मिलियन कैश यहां पर अक्रॉस द एशिया और यूरोप के अंदर ये यहां पर बेसिकली इनके द्वारा पकड़ा गया। तो बहुत बड़ा ये एक इंसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से काफी कुछ यहां पर न्यूज में आ गई है। यहां पर लगभग 28 देश के लोग जो हैं वो यहां पर आए, इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि हम भी इसका पार्ट बन चुके हैं। हमारे देश में भी यहां पर इस टाइम पर ये सट्टेबाजी चल रही थी, जो कि इलीगल गैम्बलिंग, जो कि काफी लार्ज स्केल पर प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, और इसको एक तरीके से क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि आज की डेट में भी ये लीगल नहीं है। गैम्बलिंग जो जुएबाजी होती है, सट्टेबाजी होती है, उसके चलते कई सारे जो बेसिकली प्लेयर हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी कि जो ब्लैक तरीके से कमाई गई मनी है उसको व्हाइट करने की कोशिश की जाती है, कोई करप्शन होता है। तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंटरपोल जो यहां पर ये ऑपरेशन चला रही है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इंटरपोल जो फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी करप्शन जो भी यहां पर यूनिट है। एशिया पैसिफिक एक्सपर्ट ग्रुप के बारे में बात करें, तो एशिया पैसिफिक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, एपीईजी बोलते हैं, और इसी के साथ में इंटरपोल जो मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स है, इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया इस चीज का पर्दाफाश करने के लिए। हमारी कंट्री में अगर कोई आप लोगों से पूछा भी जा चुका है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरपोल के साथ में मिलकर काम करती है, इंटरपोल का पार्ट है, तो याद रखना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इंटरपोल का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा यहां पर इंटरपोल के बारे में, तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह बेसिकली इंटरपोल के बारे में इंफॉर्मेशन, हमारी सीबीआई जो है वो उसका पार्ट है। मैं मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में बता दूंगा तो आप लोग कई सारी और चीजें याद रख पाएंगे, तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इंटरपोल को बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल मिलाकर कितने मेंबर है कोई पूछे आप लोगों से, तो 194 मेंबर है। ये बेसिकली पुलिस कोऑपरेशन होता है और क्राइम कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि जैसे कि हमारी कंट्री में नीरव मोदी भागे, ठीक है, तो भागे दूसरे देश में चले गए, तो वहां पर अगर हमको कोऑर्डिनेट करना है उस कंट्री की पुलिस के साथ में, तो हम लोग सीबीआई हमारी जाएगी और बेसिकली इंटरपोल के थ्रू यहां पर उस कंट्री के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, ताकि हम लोग वहां से उसको निकाल कर ला सकें। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कई सारे नोटिस इसके द्वारा इशू किए जाते हैं, जिसके चलते रियल टाइम में जो क्राइम चल रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाया जा सके, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारी सीबीआई जो है यहां पर वो इसका पार्ट है, जिस तरीके से हर एक कंट्री की जो नेशनल सेंटर ब्यूरो है वो यहां पर पार्ट है, तो हमारी कंट्री की सीबीआई है। जो एक्सपर्ट और जो सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पर मेंबर जो बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को लियोन फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूं यहाँ पर, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर नोटिस है, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, तो इसको यूज कहता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल जो ट्रिब्यूनल है, इसी के साथ में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा भी इसको यूज किया जाता है। अगर कहीं पर भी कोई जीनोसाइड हो गया, नरसंहार हो गया, वॉर क्राइम हो गया, लड़ाई में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, कई बार इतने सारे लोग खत्म कर जाते हैं, कोई भी ऐसी चीजें अगर देखने को मिले तो वहां पर भी ये कई बार इसको यूज किया जाता है। इसके टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में, वैसे मैंने आप लोगों को बताया हेडक्वार्टर इसका लियोन में फ्रांस के अंदर है, पर लेकिन नॉर्मली इसके आप लोगों को अलग अलग एरिया में भी 6 रीजनल ऑफिस देखने को मिलेंगे, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया साउथ अफ्रीका में, इसी के साथ में कोस्ट डी आइवोरी हो गया यहां पर वेस्ट अफ्रीका में, ई सल्वाडोर हो गया यहां पर सेंट्रल अमेरिका में, कीनिया हो गया ईस्टर्न अफ्रीका में, थाईलैंड हो गया यहां पर साउथ ईस्ट एशिया में, और जिम्बाब्वे हो गया अफ्रीका में। तो 6 अलग अलग ऑफिस भी आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे। फॉर्मेशन किया गया था इसका 1923 में। इससे पहले यहां पर पहले इसका नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस, तो ये 1914 में हुई, इसको रिप्लेस करके इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस बनाया गया 1922 में, और अब यहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ठीक है। तो ये है आप लोगों का 1923 से, और इसी को फॉलो करते हुए हम लोग यहां पर आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर ये इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बताएगा इसके बारे में। आगे यहां पर जो ऑपरेशन के बारे में आप लोगों से बात की थी, इसके बारे में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन पेंजिया। तो ऑपरेशन पेंजिया है आप लोगों के सामने, बेसिकली यह है ऑपरेशन पेंजिया 14 ऑपरेशन पेंजिया किसके द्वारा चलाया गया, क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है रिसेंटली अभी एग्जाम में। तो इंटरपोल के द्वारा चलाया गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये फेक यानी कि झूठी दवाइयां और प्रोडक्ट जो झूठे ऑनलाइन बेचे जाते हैं उससे बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन पेंजिया जो है यहाँ पर एक तरीके से काउंटरफिट यानी कि नकली दवाइयां ऑनलाइन जो बेची जाती है हेल्थ प्रोडक्ट को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इसका यूज किया गया लोगों के लिए, ताकि लोग जो है ऑनलाइन ऐसी हरकतें न करें, फालतू की दवाइयां न खरीदें। पहली बार ये लॉन्च किया गया था 2008 में, और तब से कंटिन्यूअसली यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो ये मैंने आप लोगों को इंटरपोल के बारे में बता दिया, और पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है यहां पर ये भी याद रखेगा
जो यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है, तो क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो पूरा टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का, ओके। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। अब आइए आगे बढ़ेंगे, और हाँ चलिए देख लीजिए चलिए एक बार, ठीक है। इंटरपोल के नोटिस में आप लोगों के सामने बेसिकली 8 नोटिस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, रेड येलो ब्लू ब्लैक ग्रीन ऑरेंज पर्पल, और इंटरपोल का जो यहां पर स्पेशल जो नोटिस होता है वो भी देखने को मिलेगा। यहां पर अलग अलग चीजों के लिए, वांटेड पर्सन हो गया, मिसिंग पर्सन हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तरीके से अनआइडेंटिफाइड अगर कोई बॉडी मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी के लिए वारंट इशू करना है, ठीक है, जिसे मेहुल चौकसी वगैरह ये सब बोले ना हमेंगे कि अगर हमारे देश छोड़कर भाग गए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उनको कैसे टैकल करना है, तो यहां पर ये काम इनके द्वारा किया जाता है, तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर जो नेक्स्ट आता है बेसिकली पर्पल, ये हो गया एमिनेंट जो थ्रेट आ रही है उसको देखकर देखते हैं यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर्पल जो कलर होते हैं यहां पर बेसिकली प्रोवाइड कराता है कि कहां से कोई जगह है, पर्टिकुलर लोकेशन से जहां से क्राइम को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मोडरस ऑपरेंडाई देखने को मिलेगी आप लोगों को यहां पर, ठीक है। और यहां पर कोई पर्टिकुलर अगर स्पेशल नोटिस है तो वो यहां से निकल कर आते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है यह है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर यहां पर इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तो देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा इनको रटना नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों को रखना है। क्राइम के बारे में बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। तमिलनाडु अभी टॉप पर है हमारी कंट्री में क्राइम के मामले में, और यूनियन कैपिटल जो टेरिटरी दिल्ली है, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें हमारी यूनियन टेरिटरी में तो दिल्ली ने टॉप किया, केरला और तमिलनाडु टॉप पर है, तो ये काफी बड़ी बात बोल सकते हैं जिनको नॉर्मली पढ़े लिखे राज्य बोलते हैं। तो वहां पर काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिली। बाकी सबसे नीचे से टॉप किया सिक्किम मणिपुर और नागालैंड में, काफी कम लेवल पर क्राइम देखने को मिला। नॉर्थ ईस्ट में सैल्यूट करने वाली बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी जो है काफी कम देखने को मिल रही है, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको एनसीआरबी आप लोग बोलते हैं, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में ये देखती है कि इंडियन पेनल कोड या फिर स्पेशल एंड द लोकल जो लॉज हैं उनके हिसाब से कोई काम तो नहीं हो रहा है, उनका कोई अनफॉलो तो नहीं कर रहा है, उनको कोई इनका नहीं वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, ये बेसिकली यहां पर काम करती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। कई बार स्टेटमेंट देखकर मिनिस्ट्री का नाम बन जाता है तो कंफ्यूज मत होना। बनाया गया था 1986 में इसको, जब यहां पर एमएचए टास्क फोर्स आई थी 1985 में और नेशनल पुलिस कमिशन आया था 1997 में, तब बनाया गया था इसको। तो मर्ज किया गया था यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर, एक तो ये थी, दूसरा था इंडियन स्टेट क्राइम डेटा ब्रांच ऑफ सीबीआई, नेक्स्ट यहां पर ये था सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सीबीआई, ये मिलकर यहां पर इसको बेसिकली तैयार किया गया था, ठीक है, कि ऐसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि यहां पर इन सब चीजों के बारे में देखें। आगे अगर बात करें यहां पर इसके बारे में, तो यहां पर आप लोगों को बताना इसके प्रेजेंट टाइम पर कौन है यहां पर डायरेक्टर। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्रिएट करने के लिए स्टेट और सेंट्रल लेवल का डेटाबेस ताकि लोगों को पता चल सके कहां कहां पर क्या क्या क्राइम है। इनेबल करना शेयरिंग रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो जो भी दिक्कतें हो रही है तुरंत यहां पर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट स्टेट पर अवेलेबल रहेंगी। इंप्रूव करेगी इन्वेस्टिगेशन और जो भी क्राइम होगा उसको रोकने का काम करेगी, और सर्विस डिलीवरी भी लोगों की बढ़ेगी जब यहां पर ऐसी एक्टिविटी कम होती नजर आएंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के बन सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है कौन कौन सी रिपोर्ट इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो तीन रिपोर्ट मेनली इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। क्राइम इन इंडिया पहली रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया दूसरी रिपोर्ट, और पर जो प्रिजनर यानी कि एक तरीके जेल के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में, तो प्रिजनर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया यानी कि जेल के अंदर जो लोग हैं उनका डेटा तैयार किया जाता है। तो ये तीन रिपोर्ट है जो इसके द्वारा तैयार की जाती है। ये जो रिपोर्ट है, ये बात करें इनके बारे में, तो यहां पर इसको यूज कर पुलिस ऑफिसर हो गए, इसी के साथ में कोई रिसर्चर हो गया, मीडिया हो गया, पॉलिसी मेकर हो गए जो गवर्नमेंट वाले, तो वे फिर ये डेटिस के हिसाब से डेटा को यूज करके पॉलिसी बनाते हैं ताकि लोगों को दिक्कतें देखने को नहीं मिले। तो यहां से काफी इंपोर्टेंट मुद्दा निकल कर आते हैं। तो ब्यूरो अगर बात करें यहां पर बात की जा रही है, ब्यूरो इज ऑल्सो ये क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है डेटा ऑल्सो यहां पर क्राइम स्टेटिक्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टेटिक्स, तो मंथली बेसिस पर ये भी डेटा तैयार करती है, ठीक है। बाकी रिपोर्ट इनकी प्रस्तुत करती है, वैसे डेटा इनका भी कलेक्ट करती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बता दिया। अब यहां पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं, अभी बोला गया 28% जो इंक्रीज हुआ है क्राइम में 2020 में, अगर बात करें 2019 के कंपेयर में बढ़ गए हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से 28% इंक्रीज हुआ है रजिस्टर्ड क्राइम अगर बात करें यहां पर अभी रिसेंटली। 21% अभी यहां पर बात करें यहां पर ये जंप हुआ है यहां पर अगर बात करें, जो कि एक तरीके से नहीं, एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट जो है उन्होंने अपनी ड्यूटीज वगैरह जो है वो डिसओबे की, 4 times इंक्रीज देखने को मिला वॉयलेशन स्टेट लॉ के अंदर में। इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर एससी और एसटी जो प्रिवेंशन एट्रोसिटी के खिलाफ भी यहां पर केसेस देखने को मिले। नेक्स्ट बात की जा रही है इसी के साथ में कॉग्निजेबल ऑफेंस जो रहते हैं, कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं ना अटक जाती है जीभ।
तो कोग्निजेबल क्या होता है, बेसिकली हिंदी में आप लोग बोल सकते हैं इसको संज्ञेय एक तरीके से अपराध बोलते हैं, जैसे मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, तो वो वाली कैटेगरी की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये केस आप लोगों को देखने को मिले, जिसके चलते यहाँ पर लगभग हमारी कंट्री में जो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर 23 लाख के करीब स्पेशल लोज क्राइम देखने को मिले, इनके बहुत लार्ज स्केल पर पूरी इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर बात की जा रही है। क्राइम कई सारे देखने को मिले इसी के साथ में कई सारे और एरिया में, तो छोटी छोटी बातें वैसे इनको ज्यादा रटना नहीं है, बस जो एक तो ये वाला डेटा आप लोगों को बताया और बाकी को जो एनसीआरबी के बारे में बताया ये याद रख लेना। इस डेटा को थोड़ा बहुत चाहे तो अगर आप लोग बेसिकली याद रखते हैं, वैसे मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अपने स्टेट से रिलेटेड डेटा थोड़ा देखना यहाँ पर जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं, ताकि आप लोग अगर स्टेट रिलेटेड अगर स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग कुछ डेटा को यूज कर सकें। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के सामने, बेसिकली इसके बारे में आप लोगों से ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वैसे तो यहाँ पर बात की जा रही है आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में। आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई थी, आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, जिस किसी ने नहीं देखी आप लोग देखना जाकर आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है पहले तो आप लोगों को यही पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसमें बोला कि आज की डेट में अगर आर्टिक परमाफ्रॉस्ट के बारे में बात करिए, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है अगर इसको देखें आप लोग, ये कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है इस पर्टिकुलर लेयर के बारे में, जैसे ऊपर लैंड होती है। ठीक है, ये देखिए आप लोग ढंग से समझ पाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा जैसे जमीन के नीचे कई बार क्या रहता है यहाँ पर इस तरीके से बर्फ जमा रहता है। ठीक है, तो आइस के इस तरीके एक तरीके चत्ते जमे रहते हैं, ऊपर एक एक्टिव लेयर होती है जिस पे घास फूस उग जाती है। ठीक है, तो इसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट जो है यहाँ पर जब काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये क्या होती है, पिघलकर पानी बाहर निकलने लगता है, तो एक तरीके से दलदली जमीन बन जाती है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर, जो कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और इसमें से फिर क्या निकलता है, इसमें से निकलती है जब यहाँ पर पिघलकर बाहर निकलता है पानी, इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यानी कि CH4, और ये इतनी ज्यादा खतरनाक है। अगर इसके बारे में आप लोग को बताऊं थोड़ा सा तो आप लोग सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे, पिछले कुछ टाइम में अगर आप लोग इसको चेक करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आती है, तो ये माना जाता है कि मेथेन जो है बेसिकली जो CH4 है जो यहां पर जिसको आप लोग मेथेन बोल रहे हैं, मेथेन लगभग यहां पर 80 गुना ज्यादा एक तरीके से वार्मिंग करती है, गर्म करती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड निकली है पहले 20 साल में, अभी फिलहाल अगर हम लोग चेक करें तो, यानी कि 80 गुना ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है मेथेन। इसलिए मेथेन अगर निकल रही है तो सबसे पहले मेथेन को रोकना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी कम इंपैक्ट डाल रही है। तो बारह यह जा रहा है कि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा निकलेगी यहां पर, जैसे ही परमाफ्रॉस्ट यहां पर पिघलेगी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो ये और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी और इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। नॉर्मली ये होता है कि मेथेन रहती तो थोड़े कम टाइम के लिए, पर लेकिन जितनी निकलती है तो काफी ह्यूज इंपैक्ट डालती है। कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक रुकती है पर लेकिन एक तरीके से इंपैक्ट कम डालती है, यानी कि मेथेन कम समय तक रुकती है ज्यादा इंपैक्ट डालती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा समय तक रुकती है थोड़ा कम इंपैक्ट डालती है एज कंपेयर टू मेथेन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पिघलने से रोकने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंसर्न ये है जो मेल्ट हो रही है परमाफ्रॉस्ट यहां पर, तो इसके चलते आने वाले टाइम में इफेक्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वहां पर बनी हुई है, रोड कोई बना दी उसके ऊपर, कोई एक तरीके से आसपास एरिया में कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा। जब यहां पर रिलीज होगी ग्रीन हाउस गैस यहां पर ऐसी कोई, तो कार्बन स्टोर जो है ये बेसिकली और ज्यादा यहां पर एक तरीके से कार्बन जो स्टोर हो रखा था वो यहां पर निकलना स्टार्ट होगा, तो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते फॉरेस्ट फायर जो है और नए बैक्टीरिया वायरस जो है वो आप लोगों को पनपते हुए नजर आएंगे। तो जैसी हरकतें इंसान के द्वारा की जा रही है, जो टेम्परेचर इतने लार्ज स्केल पर बढ़ाया जा रहा है, तो दिन दूर नहीं है कि और कोरोना टोरोना मोरोना जैसे वायरस आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को तैयार रखो इन चीजों के लिए। तैयार कैसे करना है, अच्छी हेल्थ रखो, इम्यून सिस्टम अपना अच्छा रखो, क्योंकि जितनी हरकतें हम लोग कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये लाजमी है ऐसी चीजें देखने। अभी देख लो कोरोना जीका इसी के साथ में नीफा, पता नहीं कई सारे हेंड्रा, कई सारे वायरस तो अभी आप लोगों ने देख लिया यहां पर। तो इसके चलते यहां पर स्टेप क्या चलना चाहिए, सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखकर स्लो डाउन करना चाहिए जो भी यहां पर इरोजन हो रहा है, और अवेयरनेस फैलानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जो मैं आप लोगों को बातें बताता हूं आप लोगों किसी और को जाकर बातें बता सकते हो, कम से कम अगर 3 लोगों को भी आप लोग ये बातें बताओगे तो काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में आप लोग दे रहे हो, ये भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। पर लेकिन आप लोग अपने तक ये चीजें रखते हो तो फिर बोलते हो कि सोसाइटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें कम से कम आप लोग बता सकते हो पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में बात करें कंबाइन किया जाए एक तरीके से आर्टिफिशियल जो आइसबर्ग है, ठीक है, इंक्रीज किया जाए उनकी थिकनेस ताकि यहां पर चीजों को रोका जा सके। तो कई सारे स्टेप उठाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन वही है कि एग्जैक्टली कितना इंपैक्ट डाल पाएंगे वो तो रिजल्ट ही बताएंगे। तो इसके बारे में ये होगी इन्फॉर्मेशन, आगे चलता हूं। ठीक है,
नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है ये आ रही है यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बेसिकली अगर आप लोगों से पूछे कि इंश्योरेंस के एरिया को कौन यहाँ पर अपने हिसाब से बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं IRDA, ठीक है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA जो है यहाँ पर हमारी कंट्री में एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। पहली तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। दूसरा ये जो बॉडी है ये 1999 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, बेसिकली बनाई गई। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में जो कि आज के डेट में तेलंगाना के अंदर में है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है चलिए ये आप लोग बता देना, ठीक है। अब क्यों न्यूज में वो समझ लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा भी इशू किया गया यहाँ पर गाइडलाइन ताकि ट्रेड से रिलेटेड जो क्रेडिट इंश्योरेंस के बारे में बात की जा सके, यानी कि कोई ट्रेड करना चाहता है और क्रेडिट चाहिए तो उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस के बारे में बात की जा रही है। ये जो गाइडलाइन है ये ऑल जो इंश्योरर है उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगी। जो भी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत, उनको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर जो कि बेसिकली ECGC लिमिटेड फॉर्मली जिसको एक्सपर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते थे, इसको एग्जेम्प्ट किया गया एप्लीकेशन से इन गाइडलाइन के चलते, ठीक है। इसके चलते यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है यहाँ पर वो हेल्प करेगी ताकि बिजनेस को और लार्ज स्केल पर मैनेज किया जा सके और जो भी रिस्क है यहाँ पर उसको टैकल किया जा सके। देखिए होता क्या है, कल को चलकर कई सारे इंश्योरेंस मार्केट में बेचने वाली कंपनी है, अगर वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रही है तो वो देखना पड़ेगा ना। मान लीजिए कल को कोई बैंक उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए तो RBI को आकर उसका गला पकड़ना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो जनता के साथ में। तो इसी तरीके से अगर कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी वो हरकतें कर रही है तो IRDAI आएगी यहाँ पर ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर फिलहाल अभी लोगों के द्वारा लोन लिए गए, चाहे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात करें। और आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि लोगों की क्रेडिट लेने जो लोन में डेट में जो शिकार है लोग, उधारी में लोग बढ़ते जा रहे हैं आज के दिन में, ये दिक्कतें देखने को मिली COVID-19 के चलते। कमाई धमाई कोई थी नहीं तो इसके चलते लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना कोई जुगाड़ करने की कोशिश की इधर उधर से उधारी मांगकर, तो इसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है यह है यूनियन गवर्नमेंट की साइड से, उन्होंने टास्क फोर्स और एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। तो एक्सपर्ट कमेटी के जो चेयरपर्सन है ये RK मल्होत्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। काम क्या करने वाले है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जहां जहां इन्वायरमेंट के बारे में बात आती है तो वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी रिसेंटली जैसी हरकतें चल रही हैं उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो टास्क फोर्स जो है उसका एडिशनल सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री के हैं वो हेड करेंगे, पर लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके बारे में जरूर याद रखेगा RK मल्होत्रा है यहां पर। ये कोयले बेस्ड जो हाइड्रोजन बनाया जाता है यानी कि कोयले से जो हाइड्रोजन निकाला जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में इसको ब्लैक हाइड्रोजन बेसिकली जो निकालते हैं कोयले से उसके चलते यहाँ पर तो कोयला गैसिफिकेशन मिशन जो है और नीति आयोग जो है ये बेसिकली यहाँ पर मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने 15 अगस्त की अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की स्पीच सुनी हो तो आप लोगों को पता होगा उनके द्वारा हाइड्रोजन मिशन की बात की गई थी। हाइड्रोजन मिशन उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका बेसिक पर्पज यह है कि आज के डेट में अगर हम लोग क्रूड ऑयल कच्चा तेल जिससे डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल ग्लिसरीन ये सब चीजें हम लोग निकालते हैं अगर उसको नया खरीद कर हम लोग अपने ही कंट्री में अगर हाइड्रोजन बनाना स्टार्ट कर दें और हाइड्रोजन का यूज कर हम लोग अपनी गाड़ियां चलाने लगे ईंधन का यूज कर तो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, अपने ही कंट्री में हम लोग चीजों को यूज कर पाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है अगर H2O यानी कि पानी से अगर हाइड्रोजन निकाल पा रहे हैं हम लोग प्रॉपर जिसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं तो उससे इंपैक्ट भी काफी कम पड़ेगा, एनवायरमेंट के ऊपर भी एक फायदा देखने को मिलेगा। तो यहां पर ब्लैक हाइड्रोजन का यूज ना करके ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए। तो उसी के चलते कमेटी बनाई गई है कि कैसे यहां पर प्रिपेयर किया जाए रोड मैप ताकि आने वाले टाइम में इन सब चीजों को हम लोग टैकल कर सके। करंट ग्लोबल जो डिमांड है लगभग यहां पर हाइड्रोजन की 70 मिलियन मीट्रिक टन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते जो फॉसिल फ्यूल से यहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 76% नेचुरल गैस, 23% कोयला और जो रिमेंस है उससे प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में जो यहां पर वाटर से जो 6% ग्लोबल नेचुरल गैस से 2% अलग अलग लेवल पर यहां पर इसको निकालकर यूज किया जा रहा है। तो अगर कंप्लीटली हम लोग नेचुरली इसको यूज करने लगे यानी कि एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन हम लोगों ने बना दिया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं देखने को मिलेगी, तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाएंगे। रिजल्ट क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है अराउंड 830 जो मीट्रिक टन पर ईयर वो आउट होगा ओनली अगर 130 जो मीट्रिक टन पर ईयर अगर हम लोग कैप्चर कर पाते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से भी। यानी कि अगर हम लोग आज के डेट में बात करें अगर इनको हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हर एक लेवल पर आप लोगों को इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है ऑयल रिफाइनरी से 33%, अमोनिया से 27%, मेथनॉल से यहाँ पर 11%, स्टील से यहाँ पर 3%, तो कई सारे लेवल पर आप लोग यहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह कि कहाँ पर चीजों को कितने लेवल पर हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं ताकि उससे चीजों को अंडरस्टैंड कर सके और नेचुरली जितना रहेगा यार उतना ज्यादा फायदा है, ठीक है।
अगर बात करें यहां पर बेसिकली आज से नहीं है, हाइड्रोजन इकोनॉमी 1970 से स्टार्ट की गई थी, जोन जो बोक्रेस है, ठीक है, बोक्रेस, तो इनके द्वारा यहां पर बेसिकली ऐसा कोई टर्म कॉइन किया गया था कि हाइड्रोजन के बेस भी एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो तब से ये चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। और अब आकर तो आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस और पार्टी अभी होने वाली है 26 यूके के अंदर में, तो ये चीजें और ज्यादा डिस्कशन में और न्यूज में है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, बिल्कुल डिटेल में चीजें डिस्कस कर ली, ओके। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर डिटेल में न्यूज समझेंगे। यहां पर इंटरनेशनल न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात करें CAFMD के बारे में। तो CAFMD क्या है, इसको बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ठीक है। तो यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में यहां पर बेसिकली बात कर रहे हैं, उसके लिए फाइनेंस को मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में मैं बोलूं कि मुझे पूरे एक गांव में आज की डेट में सोलर पैनल लगाना है, तो ये सोलर पैनल एक अकेले इंसान के तो बस की बात होगी नहीं, तो कोई भी अगर पर्टिकुलर अगर आसपास के गांव के लोग आकर सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हां इसके थ्रू आप लोग यहां पर ये सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो तब चीजें पॉसिबल हो पाएगी। अगर इसी चीज को गांव से हटाकर मैं देश पर ले जाऊं कि इंडिया के बस की बात नहीं है सबकी जगह यहां पर सोलर पैनल लगाना, तो अगर यूएसए जैसी कंट्री है अगर हमको थोड़ा फाइनेंस दे तो हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरीके से जैसे होता है ना, आप लोगों को जिसके पास में किताबें जाती हैं, तो अकेले के बस की चीजें नहीं हो पाती हैं, तो जो भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है उससे कई सारी हेल्प मिल जाती है यहाँ पर, तो और बच्चों की हेल्प हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अकेला इंसान जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकता, पर जब मिलकर अगर सब साथ में आते हैं तो फिर सॉल्यूशन निकलता स्टार्ट होता है। तो जो जो भी ऐसी कंट्री है जो कि गरीब कंट्री है वो काम नहीं कर पा रही ढंग से, अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो अमीर कंट्री है अगर वो आगे आएंगे निकलकर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग निकालते हुए इसका नजर आएंगे। अभी अगर बात करें इंडिया के द्वारा, तो यहां पर इसके द्वारा बच गए, यानी कि हम लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया, हम लोगों ने बेसिकली काम नहीं किया, मतलब अनाउंस नहीं किया कि हम लोगों को जीरो, हम लोगों को नेट जीरो कब तक अपना एमिशन नेट जीरो करना है। जैसे चाइना के द्वारा 2060 तक बोल दिया गया, मैक्सिमम यूरोप की कंट्री जो है 2050 तक बोल रही है कि नेट जीरो एमिशन करना है उन लोगों को, पर लेकिन इंडिया के द्वारा अभी अनाउंस ही नहीं किया गया। पर लेकिन अनाउंस नहीं किया गया फिर भी हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं ताकि अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सके। तो अगर बात करें क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन के बारे में, तो इंडिया और यूएसए के द्वारा यहां पर ये इनका टारगेट है कि आगे चलकर हम लोग को 2030 तक का क्लीन और इसी के साथ में बेसिकली क्लाइमेट जो क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस देना है। जो लीडरशिप समिट हुई थी 2021 में अप्रैल में, वहां से ये चीजें हम लोग निकाल कर लेकर आए। इंडिया और जो यूएसए है वो स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में पार्ट है, यहां पर आगे लेकर चलने को इसको बिल्कुल तैयार है। और यहां पर बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप तो इसको हालांकि पीछे खींच रहे थे, अभी जो बाइडेन इसको और अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हैं। क्या है बेसिकली चीजें, एक तो क्लाइमेट एक्शन हो गया, जॉइंटली मिलकर काम करेंगे, एमिशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। फाइनेंस अगर पिलर के बारे में बात करें तो यूएस जो है वो कोलैबोरेट करेगा काफी अच्छे से। इसी के साथ में हमारा जो टारगेट था, आप लोगों को पता है 450 गीगावाट का टारगेट रखा गया था 2030 तक का, अब इसको और लार्ज स्केल पर हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये टारगेट हम लोगों ने और यूज लेवल पर अभी यहां पर बढ़ा दिया है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना आप लोगों की काफी लार्ज स्केल पर हम लोग लेकर चले गए, पहले हम लोग कम बोल रहे थे कि इतना काम करेंगे बस, पर लेकिन हम लोगों ने 2022 तक 175 गीगावाट ओनली बोला था, और अब आप लोग देखिए हमारी कंट्री जो है कितने अच्छे लेवल पर काम कर रही है। 2030 तक का जो हम लोगों ने 430 बोला था, अब उसको हम लोग बेसिकली 2030 तक का अब हम लोग 817 के करीब हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा। बाकी किस तरीके से लेके चलना है इनोवेशन और जो हमारे पास में एनर्जी जो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग कर पाएंगे, तो डेमोंस्ट्रेशन और स्केल इनोवेशन एनर्जी जो क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी हमारे पास में आएगी तभी काम कर पाएंगे। प्रमोशन किया जाएगा बायलेटरल और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का। एडेप्शन और रेजिलियंस के बारे में अगर बात करें तो कंट्री जो है जो कोलैबोरेट कर रही है, ठीक है, तो मेजर करेंगे और मैनेज करेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी रिस्क है। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें भी यही बोला गया कि 1.5 से अगर नीचे रख पाते हो तो ही फायदा रहेगा, अगर 2 तक भी पहुंच जा रहा है तो दुनिया को नुकसान होने वाला है। तो इसके चलते भी कई सारे यहां पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशन के बारे में, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेशनल लेवल की न्यूज है और बेसिकली पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूछ लिया जाए या रिवर के बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, क्यों है न्यूज में समझ लेते हैं। मोबाइल एक्स रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया है यहां पर, एक पर्टिकुलर पोर्ट है जिसका नाम है पैरादीप पोर्ट, ठीक है। तो पैरादीप पोर्ट के अंदर यहां पर अब यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रक निकल जाएगा और उसको स्कैन कर लिया जाएगा उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ताकि यहां पर कुछ भी चोरी चकारी न देखने को मिले। तो पैरादीप पोर्ट जो है वो कहां पर है, पहले एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख लीजिए, यह है पैरादीप पोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी कई बार रहता है, कई सारे पोर्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। मेजर पोर्ट और इंटरनेशनल सी पोर्ट, यहां पर अगर मेजर पोर्ट के बारे में बात करें और इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में बात करें तो वो यहां पर आप लोगों को दिखा रखे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको वीडियो को थोड़ा सा यहां पर एक तरीके से नहीं कि एक तरीके से स्टॉप कर थोड़ा पढ़ लेना कौन कौन से यहां पर, ठीक है। जैसे पैरादीप हो गया यहां पर, ठीक है, इसी के साथ में हल्दिया हो गया यहां पर, इधर आप लोग आएंगे तो कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक है। जैसे मुंबई वाला हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, ठीक है, यहां पर पणजी हो गया,
मारेगांव हो गया, तो कई सारे एयरपोर्ट हैं यहाँ पर, इन कई सारे एयरपोर्ट इनके बारे में याद रखना हल्का हल्का सा। जिस राज्य से आप लोग आते हैं अपने राज्य को तो कम से कम आप लोग देख लेना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इसके चलते अगर हम लोग स्कैन कर पाएंगे इसको प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या होगा, पोर्ट पर एक तरीके से लॉन्ग जो यहाँ पर लंबे समय तक अगर लाइन लगी रहती थी वो नहीं लगेगी, तो आसानी से कंटेनर को यहाँ पर कंप्लीट कर आगे निकाला जाएगा। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड में और ज्यादा चीजें बढ़ेंगी, और जहां पर एक रिक्वायरमेंट थी लोगों को इकट्ठा करना, चेक करना, टाइम लगाना, वो सब चीजें भी धंधेबाजी खत्म हो जाएगी, तो अच्छे लेवल पर चीजें देखने को मिलेगी। पैरादीप पोर्ट जो रिसेंटली अभी न्यूज में है, ये बेसिकली आप लोगों को उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा और महानदी के ऊपर यहां पर ये है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पता, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, अगर बात करें यहाँ पर 210 न्यूटिकल माइंस है यहाँ पर कोलकाता से, और यहाँ पर 260 न्यूटिकल माइंस है यहाँ पर विशाखापत्तनम से। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट काफी यूज किया जाता था हमारी कंट्री से आयरन ओर को ले जाने के लिए, आयरन ओर मैक्सिमम यहाँ से निकल के जाती थी और उसको जापान भेजा जाता था यहाँ से निकाल कर, ठीक है। तो जापान तक पहुंचाने का काम जो था वो इसी पोर्ट से यहाँ पर किया जाता था, आयरन ओर यानी कच्चा लोहा, और फिर वहां से जो भी फिनिश प्रोडक्ट वगैरह है वो लेने लाने का काम जो भी है वो यहाँ पर इसी पोर्ट से होता है। पैरादीप जो पोर्ट ट्रस्ट है वो स्टैब्लिश की गई यहाँ पर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आता है। अगर बात करें पीपीटी जो है यानी कि पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट जो है, इसको कमीशन किया गया था 1966 में, ठीक है। एक तरीके से मोनो कमोडिटी थी उस टाइम पर यहां पर ओनली, यानी कि आयरन ओर के लिए बनाया गया था। हालांकि आगे चलकर देखिए एरिया और जो काम करने के तरीके हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें स्टेट के बारे में बात की जा रही है, वैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं, और यहाँ पर लोकेशन के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे, ये कई तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं न्यूज को, ठीक है। तो बात की जा रही है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में, तो अभी यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि एक जोड़ा था एलिफेंट का जो कि चला कहां से, ये चला बेसिकली उत्तर, ये पहुंचा यहाँ पर बेसिकली चला कहां से और कहां पर पहुंचे आप लोगों को बताना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है ये है शुक्ला फेंटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये शुक्ला फेंटा करके यहाँ पर ये नेशनल पार्क है, तो यहाँ से चला और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर पहुंचा, तो इसके चलते यहाँ पर न्यूज में है। शुक्ला फेंटा नेशनल जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, ये प्रोटेक्टेड एरिया है बेसिकली तराई जो फार वेस्टर्न रीजन में नेपाल के अंदर में, यानी कि नेपाल से चलकर इंडिया के अंदर आ गया कहां पर, ये पीलीभीत के अंदर। तो काफी बड़ी बात है यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर आया नेपाल से निकल का, तो आप लोगों के माइंड में एक तरीके से मैप भी आना चाहिए जैसे जैसे मैं न्यूज पढ़ाता हूं कि कहां पर ये लोकेटेड है। तो अगर नेपाल के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री के कितने राज्य टच करते हैं, एक तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया वेस्ट बंगाल और पांचवा हो गया सिक्किम। तो टोटल पांच राज्य ऐसे हैं हमारे देश के जो कि नेपाल को टच करते हैं, और उत्तर प्रदेश के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखना, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे थोड़ा सा अगर ट्रिकी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, चलिए देखता हूं कौन कौन आंसर देते हैं। ये बताइए नेपाल को हमारी कंट्री का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है, सबसे बड़ा, ये आप लोग बताइए। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यहां पर ये लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली बहराइच डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर में। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी और बहराइच तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व बनाया गया 2014 में, इंडिया का 45वां टाइगर जो रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत यहां पर आया। 2020 में यहां पर इंटरनेशनल अवार्ड बेसिकली कि टाइगर को डबल करना है वो भी यहां पर आप लोगों को इसको देखने को मिला, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में अगर बात करें जो तराई लैंडस्केप वाला रीजन है अपर गंगा प्लेन में, आप लोगों को देखने को मिलेंगी चीजें। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडो और नेपाल के बॉर्डर पर, यहां पर जो सदर्न बॉर्डर पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है रिवर शारदा और इसी के साथ में रिवर खाकरा, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री के बॉर्डर पर है। पीलीभीत इंपॉर्टेंट हैबिटेट जो है टाइगर के लिए, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये बेसिकली कई बार आउटसाइड हैबिटेट भी आप लोगों को चीजें नजर आती है। देखिए होता क्या है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से आज के में क्या हो चुके हैं, काफी सारा एनक्रोचमेंट हो रहा है कई सारे एरिया का, तो इसलिए अपने एरिया को छोड़कर बाहर भी कई सारे जीव जंतु घूमते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके जिसके साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर, जैसे सुराई रेंज हो गया, कोरबेट हो गया, इसी के साथ में लागा भागा हो गया यहाँ पर, सुगल फेंटा नेपाल के अंदर में, इसी के साथ में यहाँ पर ये हो गया किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुधवा, ये बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा और ये नेपाल के अंदर, ठीक है। तो तराई जो आर्क लैंडस्केप है यहाँ पर, ये यमुना वाले रीजन से लेकर आप लोगों को बेसिकली भागमती जो ईस्ट में जाएगी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसी के साथ में लोअर लाइन वाला जो एरिया है नेपाल, यहां तक आप लोगों को चीजें कनेक्ट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यार देखिए क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिकली माइंड में थोड़ी क्लैरिटी रहेगी तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। आइए एक बार नजर तो डाल लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया ताकि आप लोग याद रख सकें। पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखिए, दो इंपॉर्टेंट डे देखे हम लोगों ने जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पर कुछ मेंबर जो कि यहाँ पर ये हैं जिनके द्वारा ज्वाइन किया गया। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेशनल पोल, इंटरनेशनल पुलिस के बारे में यहाँ पर बात की, ठीक है।
एक यहां पर आप लोग देखें, यहां पर ये ऑपरेशन था जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, कौन कौन से नोटिस इशू किए थे ये समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने एनसीआरबी के डेटा था और एनसीआरबी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन समझी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एनसीआरबी के बारे में क्वेश्चन बने, तीन रिपोर्ट भी बताई आप लोगों को, इसी के साथ में यहां पर आईपीसीसी के बारे में बताया आप लोगों को, और यहां पर परमिट फोर्स क्या होता है उसके बारे में समझा, क्या दिक्कत है वो समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर आईआरडीए के बारे में बातें की, क्या क्या उसके द्वारा कुछ चेंजेस यहां पर किए गए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के साथ में इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में हम लोगों ने CAFMD के बारे में जाना, क्या है एक पर्टिकुलर जो मुद्दा। इसी के साथ में पैराद्वीप पोर्ट के बारे में समझा, कहां है, किस नदी के ऊपर है, क्या लोकेशन है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर पीलीभीत के बारे में और नेपाल से रिलेटेड एक लिंक निकल कर आया, तो इंडिया और नेपाल रिलेशन के बारे में कुछ लिंक निकल आया, तो कुछ पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड अल्जाइमर जो डे है, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, रिवीजन करके जाना कल का, ठीक है, और फीडबैक देकर जरूर जाया करो। ओके, इसी के साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में हम लोगों ने बात की, इसकी थीम बतानी है। कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो बताया करो ना कि यहां पर दिक्कत हो रखी है, ठीक है, फीडबैक देने में क्या दिक्कत लगती है, ये नहीं बताते आप लोग, पता नहीं क्यों नहीं बताते। इंटरनेशनल पोल इंटरनेशनल पुलिस के बारे में बात की, तो यहां पर कितने मेंबर है इसके, ऑपरेशन कौन सा है फेक मेडिसिन को रोकने का। इसी के साथ में एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, कोल बेस्ड हाइड्रोजन के बारे में बात की, इसको ब्लैक हाइड्रोजन भी आप लोग बोलते हैं, तो कौन यहां पर कमेटी बनाई गई है, CAFMD, इसको किस किसके साथ में मिलकर, किसके साथ में इंडिया मिलकर कर रहा है काम, 817 गीगावाट कब तक का टारगेट है। पैराद्वीप पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी रिवर पर है और किस राज्य के अंदर में है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट डे का, ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के बारे में डिस्कस किया था ना, और सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस के बारे में कैसे कैसे बनाया गया, तो कौन सा बनाया गया ये बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर में यहां पर अभी यूएसए के अंदर में बेसिकली 5 लाख ग्रांट किया गया, यहां पर लगभग साढ़े तीन करोड़ यहां पर बेसिकली रुपए दिए गए लगभग अभी यहां पर एक प्रोजेक्ट पर दवाई बनाने के लिए, mRNA जो कि मैसेंजर बोलते हैं एम को, ठीक है, तो ये याद रखना, इसके बारे में बताना किसके द्वारा दिए गए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहां पर अभी बात की गई चेयरमैनशिप के बारे में, ठीक है, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर चेयरमैनशिप किसके एक कमेटी बनाई गई थी डिफेंस में एक इंप्रूवमेंट करने के लिए। रिफॉर्म इन द अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया किसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है, PFC इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा यूरो ग्रीन बॉन्ड ये बेसिकली स्टार्ट किया गया पहला। कौन सी गवर्नमेंट है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा बोला गया अभी प्राइवेट कंपनी को कि उमन गोट जो रिवर है इसके ऊपर काम नहीं करने है। कौन सी पर्टिकुलर रिवर है यहां पर उसका नाम बताइए, जो कि जयंतिया और खासी हिल के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आइए एक बार आंसर देख लेते हैं यहां पर। ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे जो है ये नेशनल स्टेटिकल ऑफिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके द्वारा कंडक्ट किया गया, ठीक है। NSSO जो है उसको सर्च उसको मिलाकर और CSO को मिलाकर अभी NSSO यानी कि नेशनल स्टेटिकल ऑफिस बनाया गया। यहां पर यूएसए का जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसके द्वारा पैसा दिया गया दवाई पर काम करने के लिए। डॉक्टर यहां पर सेखतकर कमेटी बनाई गई, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था डिफेंस में इंप्रूवमेंट करने के लिए। नीति आयोग के द्वारा रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, तो ये नीति आयोग बात करता है इसके बारे में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसके द्वारा फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड लाया गया पावर फाइनेंस कमीशन। इसी के साथ में मेघालय के अंदर है यहां पर यह है उमन गोट रिवर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको द्वाकी या फिर उमन गोट दो नाम से जाना जाता है, खासी और जयंता को डिवाइड करने का भी काम करती है, तो क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कहां से बन गया, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया है, अगर एंजॉय किया तो यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना और फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाना। इसी के साथ में यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।